हाँ जी कितना फिर सो गाइस आज का एपीसोड यार बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला क्योंकि आप सारे टेक्नोलॉजी ना जुड़े हुए हैं हूँ भी आप फोन हूने चला के हटिया मैं रील्स देख के हटिया वा सो अज के गैस तुम थंबनेल च देख लिया टकीला नाम बड़ा कैची ना टकीला वैसे उन्होंने नाम जय अरोड़ा सो वेट करते पे हाँ पे ने अजे पांच मिनट पाँच दस मिनट वीरा कहता मैं पहुँचने वाला वा सो बस आ रहे हैं उन्होंने गलबात करा इन्हों को मैं सुनया फोन बहुत आते हैं बई गेमिंग फोन आ गए गैजट्स हो गए देखा एक अद्धी चीज़ हाथ भी मार लाँगे की कहते मिट्टी मारना अद्धिया चीज़ा तो मिट्टी मार लेनी आप ध्यान रखियो बाई कोई भी चीज़ वो दिता होगा भी मुझे ये फ्री मिला ले लियो ठीक है मैं ना करूँगा कैमरे कि नहीं आप लैनी नहीं यार इदा थोड़ी चंगा लगता बट तुम लै लियो क्या मैं चाहिए ठीक है डील बाकी जय अरोड़ा वीरा आ वेट करते हैं आ गए वीरा हाँ जी मैनू लगता आ गए ने वो हाँ जी वीरे की हाल है जी थोड़ी वेट चलती पी सी बठिंडे रहना ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸੋ ਸਾਡੀ ਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਐਕਟਿੰਗ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਤੀ ਠੀਕ ਆ ਬਟ ਬਠਿੰਡੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਬਠਿੰਡੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਅੱਛਾ ਆ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ ਵੈਸੇ ਭਾਜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਾਲੇ ਆ ਜੇ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰਾਉਣਾ ਪੇਚਕਸ ਪਲਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਰਾ ਲਓ ਇਹਦੀ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਕਹਾਂ ਸੇ ਹੋਤੀ ਹੈ ਵੋ ਅੱਛਾ ਜੀ ਭਈਆ ਇਹ ਨਾ ਫੋਨ ਕਾ ਪਾਣੀ ਕੈਸੇ ਨਿਕਾਲਦੇ ਹੈ ਜਬ ਪਾਣੀ ਘੁਸ ਜਾਤਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮਾਂ ਪਾ ਦਿਓ गाने भर दे ओदे विच ठीक है ओ ओ नहीं मिलता हुंदा सुभा जी वेलकम है तोड़ा शो ते थैंक यू सर मैनु आपनु बहुत वधिया लग्या आपा मिले सी गुड़गांव मैटा इवेंट ते ना हां जी सो मैनु लग्या तुसी गुड़गांव तो बट तुसी बठिंडे तो ही वर्क करदे हो सर बठिंडे तो ही कर रहे हैं फिलहाल तो बठिंडे तो ही कर रहे हैं अच्छा ते हुन भी मैं अपना नवा स्टूडियो बिल्ड करना है वो भी बठिंडे ही कर रहे हैं बठिंडे कर रहे हो देखते हैं अगे वैसे तो देखो जिथे मैं करना चाहिए काम वो दिल्ली है प्लेस तो बट इतने मैं लग रहा है करके देखते हैं जो ना हो फिर देखा बट हूँ तो नवा स्टूडियो इतने बना रहे हैं बट ठीक है अपने शहर च मैं भी हूँ वैसे लुधियाने तो हाँ मैं लेकिन मैं स्टूडियो मोहाली बनाया हुआ सो आई गैस इतने आप चीज़ा आसान भी मिल जाती हैं सो गुड़गांव या मेट्रो सिटी विच एक्सपेंसिव भी बंदा वो भी है नाले वैसे भी ना जड़ी वाइब बंदे अपने छोटे शहर च ओ मेनू हाँ। पता नहीं क्यों वधिया लगदी है बठिंडे च या फिर चंडीगढ़ रहे हैं हुन मैं जे कोई कहंदा ना भी वड्डे शहर च बिल्ड करो दिल्ली तो पैंदा मैं दिल्ली तो पहला मेरे दिमाग च आंदा चंडीगढ़ बिल्ड करा आपदा स्टूडियो ओके जगह नाल वैसे ही प्यार है हां मोहाली मैनू बहुत वधिया लगदा मोहाली भी क्योंकि ये इंडस्ट्री भी इत्थे हैगी है सही गल है बाकी एक वधिया वाइब है इत्थे सो आपकी वीडियोस तो हिंदी में होती हैं वीडियोस मेरी हिंदी में होती आप है। तो पंजाबी वाले चिप कट रहे हो चिप कट देते हैं सो पहला मैंने लग्या भी वीरे ना हिंदी बोलनी पैनी है फिर वीरे दा फोन ते गल हुई कहंदे वीरे आपा पहुंच गए मैं क्या आपा पहुंच गए भी पंजाबी मैं क्या वेरी नाइस हो गया ये तो सो नहीं तो बड़ा औखा हो जाता है हिंदी ऊपर से निकलती नहीं मैं बोल लेता हूँ हिंदी लेकिन जब मैं बोलता हूँ फिर मैं थोड़ी गंदी वाली बोल जाता हूँ चिप कट देते हैं चिप कट देता हूँ लांगा जाता है टप्पा जाता है वो हो जाता है सही बात है सो रील्स तुसी देखिया होनी है यार तुसी हुन भी कर रहे होंगे ठीक है क्योंकि बठिंडा तो ने यार अपने पंजाब तो ने सो इन्हां दी वीडियोस हिंदी विच हुंदियां ने और टेक्नोलॉजी स्टार्टिंग तो टेक्नोलॉजी वाला चैनल बना लिया यार ये सही है ना नहीं तो यूट्यूबर्स की करते हैं अच्छा ये ट्राई करके देखते हैं व्यूज नहीं आ रहे ये ट्राई करते हैं तो आपको पता है पता सीखा था मैं बता रहा हूँ ना ये ऐसी चीज नहीं थी कि मान लो मैंने सोचा कि क्या चल रहा है आजकल टेक्नोलॉजी चल रही है चलो ये बना के देखते हैं ऐसा नहीं था अगर मैं कुछ मैंने जो यूट्यूब स्टार्ट किया ना वो इसीलिए किया क्योंकि मेरे को टेक का कीड़ा बाहर निकालना था वो और कोई चीज मेरे को दिख नहीं रही थी मेरे को पता था अगर मैं कॉलेज से जॉब लेता हूँ तो वो मेरे को मजा नहीं आएगा करने में मैंने जॉब ली भी थी जॉब भी की है मैंने बट ये जो चीज थी ये मेरे को बाहर निकालना था उसके लिए मेरे को कैमरा फेस करना पड़ा जो मेरा मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कैमरा फेस करना बट ये रिक्वायरमेंट थी तो वो पूरी करनी पड़ी ये चीज थी आपकी वीडियोस आपको क्यों लगता है चलती हैं मैं एज अ ऑडियंस मैं भी देखता हूं आपको ठीक है मैं दसूंगा भी मैं क्यों पसंद करना थानू ठीक है आपको क्या लगता है कि आपकी वीडियोस क्यों देखते हैं लोग
मेरे को ऐसा लगता है कि आप जो वीडियो बनाते हो ना, एक वाइब अच्छी सेट कर दो, मतलब जो सामने वाला इंसान है उसको कंफर्टेबल कर दो कि एक जब बंदे को दिखता है ना कितना अच्छा माहौल है और फेस पे स्माइल होनी चाहिए और बताने बिल्कुल क्लियरली बताओ चीजों को, जितना हो सके टाइम वेस्ट ना करो किसी का। तो इन ये मैं बहुत सारी चीजों को देख के बनाता हूँ वीडियो। आपकी बेस्ट चीज लगती है मैंने रील्स देखी, मुझे आपकी वीडियोस देख के ऐसा नहीं लगता कि यार कोई हाई फाई बंदा है या कोई यार ये तो बड़े लोग हैं, मुझे ऐसे लगता है ये हमारे जैसा है। आपकी जैसे ही हुए? हाँ, मतलब वीडियोस में भी वैसा दिखता है, काफी टेक चैनल हैं जो हमारे जैसे नहीं लगते, हमें लगता है यार ये तो कुछ अलग ही लेवल वाले बंदे हैं, अभी हम तो नहीं है। तो आपके साथ ऐसे लगता है कि थोड़ी वीडियोस देख के एक तो नॉलेज मिलती है, सेकंड इनकी वीडियो कोई भी निकाल के देख लो इनका चेहरा होगा हंसते रहते हैं भाई, और भाई ये कर लिया फिर मैंने ये कर लिया। देखो वही कहते हैं कि नॉलेज देनी है तो वाइब करके कॉमेडी के थ्रू दे दो। सही बात, आपकी वीडियोस कॉमेडी भी होती हैं बीच बीच में कि फन होता है यार, और सेकंड आप साधारण से लगते हो मुझे कि हाँ यार सीधा साधा जा बंदा और काम करता अपना, भाई यह नहीं हैगा कि कोई शो ऑफ आ। सो अब तुहाडा हैगा टेक चैनल, हाँ जी, इंस्टाग्राम ते 2 मिलियन होने वाले आ, हाँ जी 1.9 मिलियन। किन्ने साल च हो गए? 4 ईयर्स? नहीं नहीं, मैं लास्ट ईयर स्टार्ट किया, डेढ़ साल होने वाले। डेढ़ साल च 2 मिलियन? यार पूछो यार किदा हुंदा है, साडे नहीं होए, थोड़े होंगे तो थोड़े तो वैसे ही लॉन्ग वीडियोस ते है। हां मैं स्टे करना था, देखो आप च बहुत बड़ी गल है। सो तुहाडा इंस्टा ते 1.9 मिलियन और यूट्यूब पे तो शॉर्ट्स चैनल था 2 मिलियन क्रॉस कर गया। रिसेंटली किया वो आ गई ट्रॉफी गोल्डन, गोल्डन बटन। वो तो आ गया, वो तो 1 मिलियन पे आ जाता है। हां थोड़ा टाइम लगांदा ना वो, महीना डेढ़ महीना एक्स्ट्रा लग गया। ओके 2 मिलियन हो गया। और एक और चैनल है, एक लॉन्ग वीडियोस का चैनल है, उस पे अभी 250 के है, 280 के। बहुत होंगे यार, 2.5 लाख 3 लाख हो गए। सेटिस्फाई हो कि फ्यूचर में यही करना है? ये तो करना ही है, ये मैं छोड़ नहीं सकता हूँ कभी। साथ में कुछ ऐड कर लिया वो अलग बात है, बट जो टेक है इस चीज से मैं हटके नहीं कहीं पे जा सकता। फ्यूचर सिक्योर लग रहा है कि हाँ आगे और करूंगा? सिक्योर का तो कुछ पता नहीं आगे भी आगे देखेंगे, बट जिस चीज में मजा आता है करने में वो मैं कर रहा हूँ। मतलब अगर कोई पूछे ना कि ये करने में मजा आ रहा है जबरदस्ती करना है, तो मजा आ रहा है करने में, ये तो है। रोज आपको एक नया टास्क होता है, आज हमने ये करना है, कंटेंट रिसर्च करना अपने में बहुत बड़ी चीज है। तो अनु तो गिफ्ट बड़े होंगे होने, लाइक इसकी प्रमोशन कर दो, ये फोन आ गया नया, इनको भेजो टेक वालों को, है फोन बहुत घर भरा पड़ा होगा ना गैजेट्स के साथ। भरा पड़ा होता है, पर ये नहीं कि सब आते ही है, खुद भी लेने पड़ते हैं बहुत सारी चीजें। नहीं तो कैमरे में बोल रहे हो? नहीं नहीं, अरे बात ही है, पता है क्या, मेरे को जो भी मिलता है ना, कोई वीडियो देख रहे भाई इसकी प्रमोशन किया ना इस प्रोडक्ट की, जबकि वो अगर मैं आपको अभी अपना अमेज़न खोल के दिखाऊं तो उसमें रोज के इतने ऑर्डर होते हैं सिर्फ टेक प्रोडक्ट्स के, क्योंकि मेरे को लोगों को दिखाना है तो उसको खरीद खरीद के चीजें कर रहे हूँ ज्यादा। तो क्योंकि सानू तो लगता भी सारा कुछ मिलता ही है, बट नहीं मिलता भी है, मतलब मिलते भी है चीजा, बट ज्यादा तो यही है भी तुसी जिहड़ा अपना रिव्यू है, यूनिक प्रोडक्ट्स होंदे आ वो, फिर मैं ट्राई नहीं करदा भी कंपनी नूं रीच करां या कुछ करां, आप ही खरीदो ते बनाओ। तुहाडे कोल की गैजेट, मैं हिंदी स्विच हो गया, गैजेट्स कोई यूनिक गैजेट्स केड़े ने? यूनिक गैजेट्स सब बहुत तरह दे है, जिवें पोर्टेबल प्रिंटर है। पोर्टेबल प्रिंटर जो मतलब एक ग्लास प्रिंट कर दूंगा? नहीं नहीं नहीं, हां अच्छा बंद हो जाता है प्रिंटर ही, छोटा जिहा प्रिंटर है ना, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਓਕੇ ਓਕੇ ਓਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਉਹ 3D ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੈਜੇਟਸ ਵਗੈਰਾ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਫਾਈਂਡਸ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਭਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਉਣਾ, ਯੂਸਫੁਲ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਈ ਕਈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਤੇ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵੀ, ਨੋਰਮਲੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗੈਜੇਟਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਪੀਕਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੈਡਫੋਨਸ ਹੋ ਗਏ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਤੇ, ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਇਸ ਵਾਰ ਕੋਈ ਫੋਨ ਆਊਗਾ ਜਾਂ ਜੋ ਫ੍ਰੀ ਮੇ ਆਏਗਾ, ठीक है वो एड्रेस मिल गया, पार्सल करवा देना। डेफिनेटली हमें बहुत जरूरत है यार इन चीजों की। आईफोन 14 प्रो मैक्स आप रखे फिर रहे हो? ये तो अभी लिया मैंने जाके, अच्छा। क्योंकि वो चलो ट्रैवल करते हैं, थोड़ा व्लॉग्स कर लेते हैं, तो ये अच्छा है। यदि लाइट नहीं बंद हो रही, कहाँ से होती है वो इसके बाद बता दूंगा। अच्छा ये भैया ये ना फोन का पानी कैसे निकालते हैं जब पानी घुस जाता है? वो भी कर देंगे, सीरी शॉर्टकट आता है। अच्छा, एक बटन दबाओगे सारा पानी खुद निकाल देगा। ओके सो यार ऐसी चीजा मैं सीख के जाऊंगा, मेरे को हुण जिन्ना फोन हैगा, मेरा फोन सारा एदे विच फिल्मां पा दियो गाने भर दियो एदे विच ओ ओ ओ निवर्त हुंदा
अच्छा पहला की होंदा सी, अच्छा ये कंप्यूटर चलाना होंदा इच गाने भर दे। सही गल है। पहला फोन कौन सा रखा था? पहला फोन, अच्छा आपने बताया था सैमसंग कौन सा? हाँ यही था, स्मार्टफोन पहला ये था। एक उससे पहले फोन था सैमसंग का ही, कॉर्बी, कॉर्बी टेक्स्ट है। कॉर्बी साढ़े तो सिंगर है वो कॉर्बी। एक फोन भी होंदा सी कॉर्बी। हाँ मैंने भी रखा था एक जैसी भी। आपने कॉर भी रखा था। कैमरा कड़ा यूज करते हो वीडियो ली? मैं कैमरा पहला यूज करता सी, बट हुन तो मैं आईफोन ते शिफ्ट हो गया। इजी है ना, क्योंकि ना जे थोनू ज्यादा मतलब मेरा ना मेन सीगा कंटेंट ते एक बार ज्यादा ध्यान देना, इक्विपमेंट ता अपग्रेड हुंदा रहूगा। तब मैं क्योंकि आईफोन ते नाल दी नाल शूट कीता, उनू ओ कीता, ट्रिम कीता, ओ ता मोस्टली काम असी आईफोन ते करदे आ। कैमरा रखे होया बट यूज असी बहुत घट करदे आ। मैं भी ज्यादा हुन पॉडकास्ट ही कैमरे शूट हुंदा, नहीं तो मैं पिछे कुछ वीडियोस फोन ते कीतीयां पर सिनेमैटिक मोड च। आईफोन दा कैमरा बहुत बेस्ट हो गया। आईफोन दा कैमरा जिन्हें स्टार्ट करना है ना उन्हें मैंने लगता है आईफोन ही रहना चाहिए बेस्ट। अगर तुम यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना, अच्छा आज दा सवाल यही रख लें, यूट्यूब स्टार्ट करने लिए की बेसिक चीजा चाहिए ने? सो कोई भी म्यूजिक चैनल बनाना चाहता, टेक चैनल, फूड चैनल, रोस्टिंग चैनल, फनी वीडियोज, पॉडकास्ट, कुछ भी। पॉडकास्ट का थोड़ा सैगमेंट अलग होंगे, बाकी जो इंडिविजुअल स्टार्ट कर सकते हो। सो थोड़े हिसाब से एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना किसी ने, सो अजकल काफ़ी करना चाहते हैं कि इंडिविजुअल, मैं चाहना भी तुसी करो बाहर जाने नालों, कैनेडा जाके लेबर करने नालों, तुसी अपना कंटेंट क्रिएटर बन जाओ, तो ये भी इनकम है। तुसी देख रहे हो एग्जाम्पल्स भी, असं बैठे हैं अर्न कर रहे हैं, फैमिली चला रहे हैं, सो अगे फ्यूचर भी हैगा इस चीज़ का। सो अगर यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना तो बेसिक चीज़ा की होनी चाहिए और किन्ने क पैसे लगते हैं? देखो वैसे तो स्टार्ट करने तो थोड़ा एक बार ज्यादा पैसे की हो नहीं है, ठीक है, तुसी एक ट्राईपॉड उसते कैमरा लगूगा, कैमरा मतलब जो कोल फोन है, फोन, ठीक है, फोन का कैमरा गुड इनफ है अजकल सारे फोन, जरूरी नहीं आईफोन भाई जेड़ा अलाउ कर दिया पॉकेट। जे तुसी ले सकते हो तो जरूर लो, जे नहीं ले सकते तो जेड़ा फोन है उसका कैमरा बेस्ट है, ठीक है। उसके अलावा एक माइक जरूरी है, ऑडियो क्वालिटी बहुत वधिया होनी चाहिए है। उसके लिए तुसी जरूरी नहीं रोड का माइक लेना, ये करना, कोई भी माइक ले लो, चाहे बोया का माइक ले लो 800 रुपए वाला। हां मैं भी कहने लगा सी वायर वाला माइक होता 800-900 का, बोया का, वो बहुत वधिया क्वालिटी है। बाकी हुन वायरलेस माइक आंदे 2-2.5 हज़ार वाले, वो रोड वांगू ही काम करते हैं। हां वो ले लो, वो सीधा फोन दे प्लग इन हो जाता है। यस यस वो भी सही है। ते होर बाकी लाइट, एक अद्धी लाइट हो जाती है। जे थोनू आए भी प्रॉपर सेटअप होना चाहिए तो सिंपली पिछे ग्रीन स्क्रीन लाओ ते आप दी लाइटिंग सही करके वीडियो बना सकते हो। मतलब एक ग्रीन स्क्रीन, एक लाइट, लाइट रिंग लाइट भी चल जूगी, ठीक है, माइक ते ट्राईपॉड ते फोन दा कैमरा, ये पांच चीजें हैं जिहड़ी थोनू चाहिए स्टार्ट करने लई। ते इहदा पूरे दा बजट मैनूं लगता है 3-4 हज़ार तो ज्यादा नहीं होना सारी चीजा का, सारा चीजा का मिला के। मतलब फोन तो थोड़े को आपका पे ही है जो है, फोन तो महंगा होगा 3-4। हाँ 5 हज़ार के अंडर है, ट्राईपोड भी मेरे हिसाब से 1500 तक का मैक्सिमम वधिया मिल जाता। यस फोर फोन ते, हाँ माइक मिल जाना तुहानू 800-900 का, ते लाइट ट्यूब यूज कर दे, स्टार्टिंग ट्यूब यूज कर लो, कुछ भी लाइट सोर्स यूज कर सकते। लाइट सोर्स चाहिए सिंपल। मैं पहला जुगाड़ लाया हुंदा सी, पहला मैं ट्यूब्स दा सेटअप बनाया हुंदा सी। अच्छा जदों गुडॉक्स लाइट्स महंगीआं नहीं लईआं सी, ओ ट्यूब हुंदी है जिहड़ी आम, ओ इक स्टिक ते अटैच कीती होई सी। अच्छा बस मेनली लाइट सोर्स ही चाहिदा सी, पर्पस फुलफिल करना जिस मर्जी चीज नाल कर लो। मैनूं अपने दिन याद आ गए वी जदों मैं स्टार्ट कीता सी, मैं मेरे भाभी जी तो मैं बोरो कीते पैसे। अच्छा लैपटॉप ली। अच्छा ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 20,000 ਦਿੱਤੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ 45,000 ਦਾ ਲੈਪਟਾਪ ਆਇਆ ਸੀ ਮੇਰਾ, i3 ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਅਤੇ ਕੈਮਰਾ ਮੈਂ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ 'ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਵਜ਼ਨ ਕਦੇ ਘਰਦਿਆਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਲੱਸ 2 ਤੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ 'ਤੇ ਲਵਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਦੋਸਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਂ ਆਪ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਕੈਮਰਾ ਮੈਂ ਲਿਆ, ਉਹ ਪਿਆ ਕੈਮਰਾ ਮੇਰਾ 700D, ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ ਆ ਮੇਰਾ ਫਸਟ ਕੈਮਰਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰੇਮ ਚ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ 700D 18,000 ਦਾ ਲੈਂਸ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਆਪ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਬੋਡੀ 23,000 ਦੀ ਸੀ। ਸੋ 45,000 ਦਾ ਆਇਆ, 45,000 ਦਾ ਲੈਪਟਾਪ ਆਇਆ। ਉਦੋਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਯੂਟਿਊਬ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਚਲਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਬੰਬੇ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਪ੍ਰੋ ਚਲਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਲਗਾ ਲਿਆ ਤੇ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਤੇ ਟ੍ਰਾਈਪੋਡ ਲੈ ਲਿਆ 1500 ਦਾ।
ਸੋ ਅੰਡਰ 1 ਲੱਖ ਮੇਰਾ ਸੈਟਅਪ ਬਣਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਰੋਸਟਿੰਗ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਮਾਈਕ ਬੋਇਆ ਠੀਕ ਆ ਸੋ ਉਹ ਤਾਂ ਐਵਰਗ੍ਰੀਨ ਮਾਈਕ ਐਸਾ ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਸਨ ਸੋ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਰੂਮ 'ਚ ਮੈਂ ਖੁਦ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਲਿਖਣੀ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪ ਲਗਾਇਆ ਹਥੌੜੀ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਵਾਂ ਸੋ ਕੈਮਰਾ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕੇ ਬੋਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੱਟਸ ਲਗਾਉਣੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਰ ਇੱਦਾਂ ਅੱਛਾ ਲੱਗੂਗਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਬੋਲ ਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਬੋਲ ਲਿਆ ਸੋ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਈਦਾ ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਮੈਂ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੈਂਸ ਆਇਆ ਸੀ ਫਸਟ ਚੈਨਲ ਦਾ ਅੰਡਰ 1 ਲੱਖ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੈਪਟਾਪ ਤੇ ਕੈਮਰਾ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੈਂ ਫੋਨ ਤੇ ਕਰ ਲਾਂ ਸ਼ੂਟ ਇੱਕ ਸਿਨੈਰੀਓ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੈਮਰਾ ਲੈਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਫੋਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਬਟ ਚਲੋ ਹੁਣ ਇੱਕ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਕੈਮਰਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਫਸਟ ਚੈਨਲ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਜਟ ਆਇਆ ਸੀ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਆਪਦੇ ਜਿੱਥੇ ਫਲੈਟ ਅਸੀਂ ਰੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਮੁੰਡੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਰੂਮ 'ਚ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਾਲਜ 'ਚ ਮਤਲਬ ਰਿਸੈਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ CGC ਲੰਡਰਾ CGC ਲੰਡਰਾ ਆਹੀ ਵਾਲਾ ਇਹ ਨਾਲ ਹੀ ਓਕੇ 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 ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਢਾਬੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ TDI ਅੱਛਾ TDI ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਮਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਆਪਦੇ ਕਾਲਜ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਫਲੈਟ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆਪਦਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਗਾ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੂਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਆਪਦਾ ਵਧੀਆ ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਐਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੋਈ ਗ੍ਰੀਨ ਸਕਰੀਨ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮਤਲਬ ਸਿੰਪਲੀ ਮੈਂ ਸਨਲਾਈਟ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵਿੰਡੋ ਤੋਂ ਲਾਈਟ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਆਪਦਾ ਟੇਬਲ ਚੇਅਰ ਲਿੱਤਾ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਰੂਮ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਸਵੇਰੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਲਾਈਟ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸ਼ਾਮੀ ਇੱਧਰ ਲਾਈਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਬਟ ਹੁਣ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਫਲੈਟ 'ਚ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੋਰੀਡੋਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੈਮਰਾ ਟ੍ਰਾਈਪੋਡ ਤੇ ਲਾਇਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲਿਆ ਆਏ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਬਜਟ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਸੀ ਫੋਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਚਲੋ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਬਜਟ ਮੈਂ ਲੈਪਟਾਪ ਬਾਏ ਕੀਤਾ ਸੀ 70,000 ਦਾ ਇੱਕ ਓਕੇ ਮੈਕਬੁੱਕ ਏਅਰ ਲਿੱਤੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉਹ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਟ੍ਰਾਈਪੋਡ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਵੀ ਟ੍ਰਾਈਪੋਡ ਵੀ ਸਸਤਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਸ਼ਾਇਦ 1,500 ਦਾ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 1,500 ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਅੰਡਰ 1 ਲੱਖ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਅੰਡਰ 1 ਲੱਖ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅੰਡਰ 1 ਲੱਖ ਸੀਗਾ ਬਟ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਉਹ ਫੋਨ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਖੁਦ ਫੋਨ ਤੇ ਐਡੀਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਰੀਲਸ ਦੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਆਪਦਾ ਐਡੀਟਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਨਸ਼ਾਟ ਐਪ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ VN ਹੈਗਾ VN ਐਡੀਟਰ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ ਯੈਸ 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 ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚੈਨਲ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕਰੋ ਜੇ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਲੈਣ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪਾਤਾ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪੇ ਪੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼ਾਰਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਈ ਸ਼ਾਰਟ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਰੀਲਸ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਐ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਹੀ ਸੋਚੋ ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਬਾਈ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਮੇਕ ਯੂਅਰ ਮਾਈਂਡ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਹੌਬੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ ਯੈਸ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇ ਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣ ਜਾਏ ਕੋਈ ਬੀਟੈਕ ਕਰ ਲੇ ਕੋਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਕਰ ਲੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਨਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਸ ਚਾਹੀਦਾ ਸਟੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈਨਾ ਅੱਛਾ ਅਗਰ ਯੂਟਿਊਬਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਸਟ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਸੀਗਾ ਜੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਬਸ ITVT ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ IT ਕੰਪਨੀ ਸੀਗਾ ਮਤਲਬ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜੋਬ ਲਈ ਹੈ ਮੈਂ ਬਿਰਲਾ ਸੋਫਟ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ 9 ਮਹੀਨੇ ਬਟ ਮੈਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਾਇਕ ਕੰਮ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਉਦੋਂ ਦੀ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ 1 ਰੀਲ ਹੋਏ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਡਬਲ ਟ੍ਰਿਪਲ ਤਾਂ ਹੋਗੀ ਰੇਟ ਉਹੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਐਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ 30,000 ਅਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਸ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਜੋਬ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਕਮਾਉਣਾ ਮੈਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ workindia.com ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਸੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਪਾਂਸਰ ਆਇਆ ਅੱਛਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਦਿਮਾਗ ਲਾਇਆ ਰੇਟ ਦਾ
पहली बार तो मैं फस गया सी घट रेट च, मतलब मैनू आया बॉम्बे तो सीगे, मैनू कोई सीगे एक्स वाई जी वर्क इंडिया डॉट कॉम दा आया, तो मैं दोस्त नू पुछा मैं की रेट देवा, कहिंदा ओ फोटोग्राफर सी। अच्छा। कहिंदा जदों मैनू समझ नहीं आता मैं 3,000 कह दिंदा हुंदा। अच्छा, मेरे सबसक्राइबर थे तब 3 लाख तो उत्ते सी। अच्छा। 3 लाख और व्यूअरशिप थी 6-7 लाख व्यू आ रहे हैं वीडियो पे 2-3 दिन में। अच्छा। फोन रोस्टिंग वीडियो बहुत चल रही सी और ट्रेंड चलती सी वीडियो। आज के हिसाब ना मैं पता मैं रेट की मंग सकता सी, उस टाइम पता ही नहीं सी। लो जी मैंने बोल दिया 3,000। 3,000 में मैं 1 मिलियन भी वीडियो चल जाती सी। अच्छा। लॉन्ग वीडियो 1 मिलियन जा रही है, ट्रेंड भी कर रही है पंजाब में, 2.5-3 लाख सब्सक्राइबर है। बहुत बुरी बात है। ठीक है, उस सामने वाली बंदी को पता चल गया ये बकरा फंस गया। उन्हें की किया, वो कहिंदा 3 वीडियो करनी है। मैं क्या 10,000। उसने तभी कहा थी आर यू श्योर 10,000। मैं क्या हाँ 10,000 इससे कम नहीं। वो पूछ रही है मुझे आर यू श्योर 10,000। मैं क्या इससे कम नहीं कर सकता मैं। सो उसने 5 मिनट में ट्रांसफर किए। अच्छा। मुझे NOC कुछ भेजा कि मुकर ना जाए बाद में। करवा लो जितने का साइन कर दिया मैंने। मैं क्या यार हरनीत मेरा फ्रेंड, मैं क्या 10,000 पाते इन्हें, मैं क्या कितनी आसानी नाल देख 5 मिनट च मैं 10,000 कमाते, मैं क्या यूट्यूब कितनी अच्छी चीज है यार। मैं क्या ऐड जी तो पौनी है। अच्छा, फिर मैंने ऐड डाल दी 1 मिनट की, उस पर 7-8 लाख व्यू आए। दूसरी वीडियो पे ऐड डाली उस पर भी 5-6 लाख आए। अच्छा। उदो आंदे होंदे सी व्यूज काफी, क्योंकि यूट्यूबर बहुत कम थे पंजाब में रोस्टिंग वाले। उसके बाद मेरा एक दोस्त था थोड़ा दिल्ली बेस्ड था। अच्छा। मैंने उससे पूछा यार मैं क्या स्पॉन्सर रेट क्या लेता है भाई, उसके व्यूज भी इतने नहीं थे और ठीक थे, सब्सक्राइबर सेम थे हमारे। कहता भाई मैं इतने ले लेता हूँ, कोई अमाउंट बताई उसने जो मतलब अच्छी अमाउंट थी। ठीक है। मैं कहा हैं इतने, मैं कहा भाई दे देते हैं इतने। कहता हाँ, कहता तुम भी तो इतने लेते होगे। मैं कहा हाँ मैं इतने ही लेता हूँ। मैं ऐसे बैठा हूँ। मैं क्या हरनीत गलत हो गया यार काम, मैं क्या आ रेट। फिर मैंने एक फेक मेल बनाई। अच्छा। मैंने फेक मेल वो सभी को मेल कर दी, हर्ष बेनीपाल, अच्छा, बीबीके वाइंस, और मैं पहली बार कैमरे से दस रहा। मैं क्या इदा तो रेट नहीं पता लगना मार्केट का। अमित बड़ाना सारे भेज दी, सारे की रेट लिस्ट आ गई मेरे पास। अच्छा। मैं ऐसे देख रहा हूँ रेट लिस्ट, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੇਜਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਲ ਦੇ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਲ ਆ ਗਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਮਤਲਬ ਟੈਕ ਚੈਨਲ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕੇ ਸਾਥ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਪਲਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਟ ਮੈਂ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਚੈਨਲ ਖੋਲਾ ਜਾਏ ਕਭੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓਸ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ। ਸੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕੈਮੀਕਲ ਦਾ ਇਹ ਕਰ ਦਿਆ ਜਾਂ ਇਹ ਖੋਲ ਕੇ ਇਹ ਬਣਾ ਦਿਆ। ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਐਸੀ, उसमें सबसे सही चीज पता है क्या है, ऐसी चीजें दिखाओ लोगों को जो आम जिंदगी में देखने को मिलती नहीं है, जिवें मिस्टर इंडियन हैकर हो गए या क्रेजी एक्स वाई जेड या मिस्टर बीस्ट, वो यही कर रहे हैं ना। जो अब रीसेंट वीडियो थी उनकी, लैम्बोर्गिनी को क्रशर के अंदर क्रश कर दिया, लैम्बोर्गिनी को सुनने में लगेगा क्या कर रहा है बंदा, बट वैसे देखा जाए तो ऐसी चीजें बंदे एक थंबनेल देख के लगे यार कैसे हो गए, मैं भी देखना चाहता हूं। मैं शायद वीडियोस देखी सी जो एक गड्ढा बना के वो बस भी फेंक दी। हाँ। मैं कोई देखी सी वीडियो इदा। सो मिस्टर बीस्ट दी वीडियोस क्रेजी होंदी हैं, ते आई गेस उनकी एक वीडियो की कॉस्टिंग 1 CR तक जांदी होनी है, आराम नाल 1 करोड़ ना जांदी होगी। जांदी होगी। वो वीडियो देखी उन्हां दी फ्रॉम $1 टू $1 लाख शिप क्रूज, वो भी देखी है, होटल वाली भी देखी है, $1 पर नाइट तो लेके पता नहीं कितने $1 मिलियन पर नाइट। अच्छा, तुसी केड़ी एक्सपेरिमेंटल वीडियो बनाओगे बजट दे अकॉर्डिंग? कुछ नहीं, मैं अब आपसे एक स्टोरी शेयर करता हूँ। रिसेंटली पिछले कुछ दिन पहले की बात ही है। देखो मेरा प्लान तो है एक्सपेरिमेंट चैनल खोलने का। ओके। तो मैंने ना सोचा कि एक बार इसी चैनल पे कुछ ना कुछ डाल के स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने रिसेंट पिछले कुछ टाइम पहले एक वीडियो बनाई थी, फायर एक्सटिंग्विशिंग बॉल थी एक। हाँ, अरे मैंने रील भी देखी थी वो। तो उसमें क्या है कि अब नॉर्मली हमको क्या पता है अगर फायर आग लगती है तो फायर एक्सटिंग्विशर होता है, आप उससे बुझा दो आग, पर एक बॉल आती है। अब फायर एक्सटिंग्विशर सबको चलाना नहीं आता। अगर मान लो इतनी जगह पे आग लगी है तो बॉल है, सिंपली आग में बॉल फेंको, वो ब्लास्ट होएगी और सारी आग बुझा देगी। ऐसी चीजें बहुत सारी आती हैं, मतलब बहुत लोगों को नहीं पता होता, पता भी होता है बट काफी लोगों को नहीं पता होता।
तो ऐसी ऐसी चीजें मैंने स्टार्ट की। फिर मैंने अभी रिसेंट एक वीडियो बनाई, रील बनाई, एक मिनट डेढ़ मिनट की, एक माइक्रोवेव में अलग अलग तरह की चीजें डाल के टेस्ट करना। उसमें मैंने था एक आईफोन माइक्रोवेव में चला दिया, अच्छा तो देखते हैं क्या होता है, इस तरह की चीज थी। तो उसमें पहले हमने सिल्वर फॉइल डाल के देखी, उसमें हमने अंडे रख के देखे, ऐसे ऐसी चीजें। माइक्रोवेव में अंगूर रखो फट जाता है कहते, वो अंगूर नहीं ट्राई किया हमने, पता नहीं, मैंने सुना है। अच्छा वो हो सकता है। अच्छा माइक्रोवेव खराब तो नहीं हुआ? सब खराब हो गया, स्पेशली माइक्रोवेव खरीदा इसके लिए, वीडियो बनाने के लिए। माइक्रोवेव खराब हुआ कि नहीं, वो नहीं हुआ माइक्रोवेव? माइक्रोवेव पता नहीं, मैंने टेस्ट नहीं किया उसके बाद, बस वीडियो बना के छोड़ दिया। ओके ओके ओके। बट आईफोन में आग लगी थी जो था। तो ये इसका सब चीज का पर्पस क्या था कि लोगों को वैसे दिखाना कि अगर ये चीज होती है तो क्या होता है उन चीजों में, और जो उनको आम देखने को नहीं मिलता नॉर्मली कि अगर हम उसके अंदर ये चीज रखते हैं तो उनको क्या होगा। तो उस वीडियो से एक्सपेक्टेशन थी कि लोगों को बहुत पसंद आएगी कि कुछ नया देखने को मिल रहा है। बट गलती मेरे से क्या होगी, ये है एक टेक चैनल, यहाँ पे मैंने डाल दी वीडियो, वो लोगों को पैनिक कर गई वीडियो, वो चीज यार ये क्या कर रहा है। तो वो वीडियो पे इतने बेकार कमेंट आए कि ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी, ये क्या दिखा रहा है, ऐसी ऐसी चीजें बहुत सारी आई। तो मेरे को मैंने वो वीडियो उड़ा दी फिर। तो इससे मेरे को एक चीज समझ आई कि आप जिस तरह की आपके ऑडियंस है उनको धीरे धीरे आपको डाइवर्ट करना पड़ता है। अब मैंने सोचा है कि अगर चैनल बनाऊंगा तो नए चैनल पे सब कुछ करूंगा। नहीं, ऑडियंस एक्सेप्ट कर दी है। जैसे मैं अब सॉन्ग्स निकालता हूँ, म्यूजिक, मैं डांस करता सी पहले, ता करके म्यूजिक ना जुड़ा हुआ। सो ठीक है, अब वो हमें 5 सालों से देख रहे हैं, उनका बनता भी है कि हमें समझाएं कि नहीं यार ये अच्छा है, तुम्हारा ये अच्छा नहीं है। वो तो है ही है, उनसे ही हम सीखते हैं ना। अब मेरी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग तो हमने बहुत कुछ इस वीडियो के लिए हमने बहुत कुछ किया कि इस ऐसी एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम दिखाएंगे, उसके लिए हमने आईफोन लिया, माइक्रोवेव लिया और एक जगह अरेंज की, आउटडोर में करना था, टीम अरेंज की, बहुत कुछ किया इसके लिए। एक्सपेक्टेशन थी ये तो बहुत अच्छी जाएगी वीडियो, उसका बिल्कुल उल्टा हो गया। तो ऐसी भी चीजें होती हैं, बट वो हुआ, उसका बेनिफिट हमको ये मिला, उसके पॉजिटिव ये चीज है कि हमको सीखने को मिल गया आगे के लिए। तो ऑडियंस ही सिखा रही है सारा कुछ। किन किन को देखते हो यूट्यूब पे, यूट्यूबर्स? मैं ज्यादातर टेक में ही देखता हूँ, ज्यादातर आपको मैं देखता हूँ पंजाबी प्रधान चंडीगढ़ी लांडरे नाल ही है, तो असि उथे जाके आपदा रात रात भी ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਿਸੀ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਫਰੈਂਡ ਨਾਲ ਬੈਠਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਫਰੈਂਡ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬ੍ਰੋ ਅਮਨ ਔਜਲਾ ਬੈਠਾ। ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਹੀ ਮੈਂ ਯਾਰ ਆਪ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਬ੍ਰੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਨ ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਯੂਟਿਊਬਰ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਐਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀਤੀ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਹੀ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ, ਬਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟਰਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ? ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੰਟੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਨਾ ਆਪ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਲਡ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾਈਡੈਂਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਪ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ। ਓਕੇ ਓਕੇ ਓਕੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਆਪਣੀ ਯਾਦ ਆ, ਮੈਟਾ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਵਧੀਆ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਠੀਕ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ? ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਹੀ
ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਉਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹੀ ਵੀ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ 2017-18 ਚ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਨੋਰਮਲ ਮਤਲਬ ਫੈਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾਣਾ ਕੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਯਾਰ ਟਕੀਲਾ ਆ ਟਕੀਲਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਟਕੀਲਾ ਲਗਾਤੇ ਟਕੀਲਾ ਰੱਖ ਲਿਆ ਅਸੀਂ ਨਾ ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਫਲੈਟ ਚ ਆਪਦੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਫਲੈਟ ਚ ਉੱਥੇ ਟਕੀਲਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਐਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਪੁਟੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ ਅਸੀਂ ਟਕੀਲਾ ਲਗਾ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਹਾਂ ਟਕੀਲਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਾਇਆ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚਲੋ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਯਾਰ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਟਕੀਲਾ ਲਾਏ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਟਕੀਲਾ ਲਾਏ ਕਦੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਖੋਲਣਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਟੈਕ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਕਦੇ ਬਣਾਊਂਗਾ ਓਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੈਬਸਾਈਟ ਬਣਾ ਲੂੰਗਾ ਮਤਲਬ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਇਮੈਜਿਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ ਕੋਈ ਟੈਕ ਰਿਲੇਟਡ ਵੈਬਸਾਈਟ ਬਣਾ ਲੂੰਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਕਰ ਲੂੰਗਾ ਐਪ ਬਣਾ ਲੂੰਗਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਐਂ ਕਰੂੰਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਉਸ ਦਿਨ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਇਆ ਰਾਤ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਇਆ ਯਾਰ ਨਾਮ ਟਕੀਲਾ ਕਿਉਂਕਿ ਟਕੀਲਾ ਸ਼ੋਰਟ ਹੁੰਦੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਕ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਸੀ ਮੈਂ ਟਕੀਲਾ ਨੂੰ ਟੈਕ ਇਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਨਾਮ ਮੈਂ ਬਸ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੂਗਲ ਕੀਪ 'ਚ ਲਿਖ ਲਿਆ ਨਾਮ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹ ਨਾਮ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਬਣਾਊਂਗਾ ਇਹ ਨਾਮ ਰੱਖੂੰਗਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਡੋਮੇਨ ਵੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ tequila.in ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਨਾਮ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤੇ ਬਸ ਉਸ ਇਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਅੱਛਿਆ ਨਾ ਯਾਰ ਟਕੀਲਾ ਲਗਾ ਤੇ ਟਕੀਲਾ ਲਗਾ ਰੱਖ ਲਿਆ ਪੈਗ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਪੈਗੀਲਾ ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ ਸੋ ਜੋ ਜੋ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਟਕੀਲਾ ਤਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਯਾਰ ਟੈਕ ਐਂਡ ਈਲਾ ਟੈਕੀਲਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਪਤਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਟਕੀਲਾ ਟਕੀਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਉਹ ਟਕੀਲੇ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਓਏ ਸੋ ਟੈਕ ਈਲਾ ਕੈਚੀ ਆ ਵੀ ਕੁਛ ਅਲੱਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੁਛ ਕੈਚੀ ਨਾਮ ਹੋਵੇ ਅਲੱਗ ਹੋਵੇ ਵੈਸੇ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਜੈ ਅਰੋੜਾ ਹਾਂਜੀ ਬੜਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੈ ਅਰੋੜਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮੈਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜੈ ਅਰੋੜਾ ਮੈਂ ਨੇਮ ਸੇਵ ਤੁਹਾਡਾ ਟਕੀਲਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਉਹ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਸੋ ਫਸਟ ਬ੍ਰਾਂਡ ਕਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸੀ ਲਾਈਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਯਾਰ ਓਕੇ ਯੇ ਮੇਰੇ ਸੇ ਐਡ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹਤਾ ਹੈ ਵਾਓ ਕਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਸੀ ਸ਼ਾਰਟ ਅਪਲੋਡ ਟਾਈਮ ਦਾ ਅਲਾਰਮ ਹੈ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਅਲਾਰਮ ਲਗਾ ਰੱਖਿਆ ਅੱਛਾ ਯੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਰੀਲ ਪਾਣੀ ਹੈ ਸ਼ਾਰਟ ਪਾਉਣਾ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਰੋਜ਼ 6 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਰੀਲ ਦਾ ਤੋ 5:50 ਪੇ ਰੋਜ਼ ਬਜਤਾ ਹੈ ਸੋ ਸੌਰੀ ਸਰ ਆਪ ਕਰ ਲੋ ਡਾਲ ਦੋ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਡਾਲ ਦੀ ਅੱਛਾ ਪਾ ਦੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾ ਦੀ ਆ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੁਖਰਾਜ ਭੱਲੇ ਦਾ ਐਪੀਸੋਡ ਪਾਉਣਾ ਸੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੇਟ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਆ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਐ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਰੀਲ ਕੱਲ ਡਾਲਦੇ ਪਰਸੋਂ ਡਾਲਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਮੈਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਕਸ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੇ ਡਾਲਨੀ ਆ ਜੈਸੇ ਮੇਰਾ 6 ਵਜੇ ਦਾ ਰੀਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ 7 ਵਜੇ ਦਾ ਸ਼ਾਰਟ ਕਟ ਟਾਈਮ ਹੈ ਯਾ ਤਬੀ ਨਾ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਪੰਕਚੁਅਲਿਟੀ ਵੀ ਹਰ ਟਾਈਮ ਪੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਾਲਨੀ ਆ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਲੇਟ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਅਡਲਟ ਚੀਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਾਤ ਹੀ ਪਾਤਾ ਕਦੇ ਸਵੇਰੇ ਪਾਤਾ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ ਵੀ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਾਣਾ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਰੀਲ ਤੇ ਸ਼ਾਰਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਯੂਟਿਊਬ ਵੀਡੀਓ ਮਤਲਬ ਦੇਖ ਲਓ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਡੀਅੰਸ ਕਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿਵ ਹੈ ਯੂਜੂਅਲੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਡੀਅੰਸ ਐਕਟਿਵ 5-6 ਵਜੇ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਸੋ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਾਇਆ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਅਗਲੇ ਦੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦਾ ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਸੋ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਵੀਟ ਹੋ ਯਾਰ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡੀ ਨੇਚਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਸੋ ਫਸਟ ਬ੍ਰਾਂਡ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨੌਲੇਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਮਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੋਡ ਕਰਨਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਵੀ ਰੀਲ ਬਣਵਾਉਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਬੋਬਲ ਕੀਬੋਰਡ ਬੋਬਲ ਕੀਬੋਰਡ ਕੋਈ ਕੀਬੋਰਡ ਸੀ ਕੀਬੋਰਡ ਐਪ ਸੀਗੀ ਕੋਈ ਵਰਚੁਅਲ ਕੀਬੋਰਡ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਿੰਪਲ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਐਂਡਰੋਇਡ ਕੀਬੋਰਡ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਗੂਗਲ ਕੀਬੋਰਡ ਹੁੰਦਾ ਐ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਬੋਬਲ ਕੀਬੋਰਡ ਨਾਮ ਓਕੇ ਤੇ ਉਹ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਰਜਸ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤੇ
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਫਰ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 1000 ਰੁਪੀਸ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉਦੋਂ ਫਾਲੋਅਰਸ ਵਿਊਅਰਸ਼ਿਪ ਸੀਗੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਸੀਗੀ ਮਤਲਬ ਬਟ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਸ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਪ੍ਰਾਈਸ 'ਚ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਹੈਨਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 800 ਰੁਪੀਸ ਓਕੇ ਫੋਰ ਵਨ ਰੀਲ ਫੋਰ ਵਨ ਰੀਲ ਓਕੇ ਤੇ ਮੈਂ 2019 ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ 2021 ਦੀ ਅੱਛਾ 2021 ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹਜੇ ਵੀ 800 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੀਲ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਈ 1-1 ਮਿਲੀਅਨ ਵਾਲੇ ਸਿੰਗਰਾਂ ਦੀ ਰੀਲਸ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਗਾਣਿਆਂ ਤੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰਸ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਜੋ ਰੋਡ ਪੇ ਐਸੇ ਸੇ ਕਰਤੇ ਹੈ ਵੋ ਵੀ 800 ਮੇਂ ਡਾਲ ਦੇਤੇ ਬਾਤ ਹੋਈ ਨਾ ਆਪਣੀ ਵੈਲਿਊ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੋਗੋ ਕੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੋ ਕੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਲਿਊ ਵੋ ਬਣਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹਾ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋ 800 ਮਿਲਤੇ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਹੋਈ ਨਾ ਬਾਤ ਮੈਂ ਇਹੀ ਚਾਹ ਰਹਾ ਥਾ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੈਰਾਨ ਸੋ ਸੌਂਗ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਸੀ ਉਸ ਪੇ ਵੀ ਆਤੇ ਸੋ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਬ ਸਬਕੇ ਰੇਟਸ ਬੜਤੇ ਹੈ ਨਾ ਸਬਕੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵੈਲਿਊ ਅਲੱਗ ਹੈ ਸੋ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਾ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਕੰਟੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟਰਸ ਦੇ ਆਰ ਸੋਰੀ ਟੂ ਸੇ ਜਸਟ ਰੀਲਰਸ ਅੱਛਾ ਰੀਲਸ ਮੇਂ ਵੀ ਕੰਟੈਂਟ ਬਣਾਤੇ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋਤੇ ਹੈ ਰੀਲਰਸ ਜੋ ਪਿਓਰ ਰੀਲਰਸ ਹੋਤੇ ਹੈ ਜੋ ਸੀ ਪੀ ਕੇ ਬਾਅਦ ਰੀਲ ਬਣਾਤੇ ਹੈ ਹਾਂ ਜੈਸੇ ਆਜ ਹਮਨੇ ਐਸੇ ਸੇ ਕੀਆ ਔਰ ਸਲੋ ਮੋਸ਼ਨ ਮੇਂ ਇੱਕ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਪੇ ਡਾਲ ਦੀਆ ਅੱਛਾ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਾ ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਇਹ 500 ਲੇਤਾ ਹੈ ਇਹ 800 ਲੇਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿ ਇਸੀ ਮੇਂ ਇਹ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਫਿਰ ਲਾਓ ਮੈਂ ਕਿ ਇਨਕੋ ਦੋ 500 ਮੇਂ ਇਨਕੋ ਇੱਕ ਸਾਲ ਕੇ ਲੀਏ ਕਰ ਲੋ ਬੌਂਡ ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ ਆਪ ਆਪ ਅਬ ਗਾਣੇ ਨਿਕਾਲ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਕਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਰ ਲੋ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵਹੀ ਪੁੱਛਾ ਯਾਰ ਇਹ ਰੀਲਸ ਡਾਲਤੇ ਹੈ ਗਾਣੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਰੀਲਸ ਪੇ ਚਲਤੇ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਆ ਯਾਰ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਅਬ ਕੋਈ ਕਲਿੱਪ ਕਾਟ ਕੇ ਮੇਰਾ ਕਹੀਂ ਚਲਾ ਦੇ ਜੇ 500 ਬੋਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਹਮ ਚਲ ਕੇ ਆਏ ਲੱਖੋਂ ਮੇਂ ਸੋ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਜਾਤੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੇ ਆਪਕੋ ਬੋਲਾ 800 ਰੁਪਏ ਆ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੇ ਬੋਲਾ 800 ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋ ਇਹ ਪਤਾ ਥਾ ਕਿ ਬ੍ਰਾਂਡ ਸੇ ਨਾ ਕੋਈ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਹੋਤੀ ਹੋਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 800 ਤੋਂ ਨਹੀਂ 1000 ਕਰ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ 1000 ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ 200 ਰੁਪਏ ਬੜਾ ਦੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 200 ਐਕਸਟਰਾ ਕਮਾ ਲਿਆ ਮੈਂ 2021 ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕੋ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਥਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਥਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬ੍ਰਾਂਡ ਆਇਆ workindia.com ਅੱਛਾ ਇਹ ਆਇਆ ਥਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ 2020 ਵਿੱਚ ਆਈ ਗੈਸ 1920 ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਯੂਟਿਊਬ ਸੇ ਰਿਵੈਨਿਊ ਆਤਾ ਬਸ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਆਇਆ ਔਰ ਮੈਂ ਦੋਸਤ ਸੇ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਹਮ ਜੋ ਕੰਟੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਨਾ ਹਮੇ ਕੰਟੈਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੱਜੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀਗੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਟ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਥਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੋ ਤੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੀ ਰੂਲ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਨਾ ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੀਮ ਹੈ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਐ ਬਸ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਥਾ ਮੈਨੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਸੈਟਅਪ ਲਗਾ ਲਿਆ ਸਹੀ ਬਾਤ ਅਬ ਨੈਕਸਟ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਇਹ ਸਭ ਲਗਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਥੋੜੀ ਹੈ ਅਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਨੇ ਕਿੰਨਾ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਕੈਮਰੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਆਸਾਨ ਥੋੜੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਕਮਾਇਆ ਨਾ YouTube ਸੇ ਕਮਾਇਆ ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ ਤੋ ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਸ ਜੇਬ ਵਰਤੇ ਰਹੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਮਾਰਾ ਜੇ ਬਣਤਾ ਹੈ ਕੰਟੈਂਟ ਕਰੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬੜਾਤੇ ਰਹੇ ਆਪ ਜੈਸੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਪ ਸੈਟਅਪ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਬੜਾ ਉਹ ਵਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਅਗਰ ਆਪਕੋ ਚੈਨਲ ਖੋਲਣਾ ਹੈ ਉਸਕੇ ਲਈ ਬਜਟ ਆਪਕੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਏ ਰੋਜ਼ ਆਪਕੋ ਚੀਜ਼ੇ ਖਰਾਬ ਕਰਨੀ ਪੜੇਗੀ ਚੀਜ਼ੋਂ ਕੋ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੜੇਗਾ ਬਟ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਜਟ ਬੁਜਟ ਕਾ ਬਟ ਮੇਰੇ ਕੋ ਹੈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਭੀ ਹਾਂ ਕੈਸੇ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਐਸੇ ਥਾ ਕਿ ਵਿਊਜ਼ ਆਏਗੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਇਹ ਮੈਨੇ ਸੋਚਿਆ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਕੇ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਝੇ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਮੈਨੇ ਆਖੇ ਬੰਦ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕਰਨ ਮੇਂ ਮਜ਼ਾ ਆਤਾ ਹੈ ਆਜ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਜੈਸੇ ਜਾਣ ਰਹਾ ਹੂੰ ਹਮ ਮਿਲੇ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਤਨੀ ਬਾਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੋ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਯਾਰ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਕਿ ਲਾਈਕ ਕੋਈ ਡਿਪਰੈਸ ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ ਉਹ ਹਮੇ ਦੇਖ ਕੇ ਕੁਛ ਇਨਸਪਾਇਰ ਹੋਇਆ ਯਾਰ ਕਰੈਕਟ ਜੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦਾ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਫਸਟ ਸਟੈਪ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਸ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਨਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਟਾਕ ਐਕਟਿਵ ਰਹਾ ਹੂੰ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬੋਲਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਬੰਬੇ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਐਂਕਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਕਿੱਲ ਆ ਗਿਆ ਥਾ ਕਿ ਬੋਲਨੇ ਵਾਲਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤੇ ਹੈ ਉਹ ਘਰ ਪੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਪਾਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲਣਾ ਪੜੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਪਾਪਾ ਚਲੇ ਗਏ ਚਲ ਅਬ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਵੀਡੀਓ ਅਰੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਤਾਇਆ ਕੈਮਰੇ ਕੋ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜਬ ਮੈਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਤੋ ਮੇਰੇ ਕਟਸ ਬਹੁਤ ਲਗੇ ਕਟਸ ਲਗਾਣੇ ਪੜਤੇ ਤਬ ਮੇਰੇ ਕੋ ਲਗਾ ਯਾਰ ਬਾਕੀ ਤੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਬੋਲ ਲੇਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਕਿਉਂ ਐਸੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਬੋਲਣਾ ਪੜਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਟਸ ਵੀ ਲਗਤੇ ਹੁੰਦੇ ਲਗਤੇ ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਤੋ ਹਾਂ ਤੋ ਫਿਰ
धीरे धीरे वीडियो बनाने शुरू किए, कट्स के साथ ही लगाया, बीच में ट्रांजिशन डाल दे कि कट का पता ही ना चले, ऐसी ऐसी चीजें बहुत की। तो बट फिर एक टाइम ऐसा आ गया था कि वीडियो तो बन रहे थे बट किसी के सामने नहीं मेरे से वीडियो बनाया जाता था। मेरे को तब मेरे को एक कैमरा मैन या एडिटर की जरूरत थी, बट मेरे दिमाग में एक ऐसा फियर था कि यार मैं किसी के सामने कैसे, कोई सामने खड़ा और उसके सामने कैसे बोल लूंगा कैमरे के, मतलब अकेले में तो कैमरे के सामने बोल लिया बट कोई बंदा भी सामने खड़ा होगा उसके सामने बोलूंगा कैसे। हाँ। ये एक फियर था मेरे अंदर, बट अब अकेले बंदा नहीं काम कर सकता, आपको टीम रखनी पड़ेगी। यस यस। और धीरे धीरे अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये अपने आप ठीक हो जाती है चीजें। अगर आपको कभी है कि मेरे को स्टार्ट करना है, जो भी फियर है ना उसको करके देखो, तभी जब उस चीज को आप इम्प्लीमेंट कर दोगे वो फियर अपने आप गायब हो जाएगा। ये चीज है। सो जो 2023 चल रहा है, आधा निकल ही गया, पंजाबी बोल लेना मेरी ना, हिंदी बोल जाती है। पंजाबी आज काफी सारे कमेंट्स नीचे आ रहे होंगे कि वीरे हिंदी बोल रहे हो आई तुसी। सो वीरे दा कंटेंट हिंदी विच है, वैसे अंदरों पंजाबी है आपा। 2023 चल रहा, अद्धा निकल गया, ते हुन अगर टेक चैनल कोई खोले स्टार्ट करे ता ओहो चल सकदा वा? बहुत इजीली चल सकदा है, क्योंकि इस टाइम ना तुसी जो भी बनाओगे, देखो एक ता आज दे टाइम ते वीडियो बनाना कोई मुश्किल काम है ही नहीं। तुसी जे शॉर्ट बनाना है एक, तो YouTube शॉर्ट या फिर Instagram रील, उन्होंने अंदर ही एडिटर्स है। हाँ। ना तुम्हें कोई अड सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए, अपने फोन इन्ने वधिया है, कैमरा वधिया है सारे फोन्स दे, मतलब बहुत इजीली किया जा सकता है। पहला तो जो आप स्टार्ट की, तुसी जो स्टार्ट किया सी या जो मैं स्टार्ट किया सी, उदो तो एडिटिंग सॉफ्टवेयर नहीं चलाना आता सी, सब सीखना पैंदा सी, हुन तो बहुत ईजी है कुछ भी करना था। वीडियोस केड़े सॉफ्टवेयर ते एडिट कर दे? मैं फाइनल कट प्रो। फाइनल कट प्रो की मैं टेक्नोलॉजी हमेशा चाहता सी, ठीक है, भी कोई बंदा आवे मैं टेक्नोलॉजी दी नॉलेज दे। आज आपां इह गल करांगे। हां, फर्स्ट ऑफ ऑल एआई, मैनू एआई च बहुत इंटरेस्ट आ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मैनू लगदा कि मैनू मजा भी आउंदा, फोटोशॉप अपना प्रीमियम है ना फोटोशॉप, ओदे च नवा ओ। हां, एआई ता सी कई बार मैं टाइम पास ली भी बाला कुछ होर चीज ऐड करते, ये करता ऐड, गड्डी चेंज कर ली, सो बहुत कुछ करदा वा। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिन्हू नहीं पता वा, सो ये बहुत पहला दी हैगी आ, बट इंडिया हुन इंट्रोड्यूस हुई है ना। मतलब ये चीज बहुत पहला दी, गूगल च एआई तो ही काम करदा है, गूगल सारा। हां, सीरी, गूगल, ओके गूगल, सारा कुछ ही। अपा आप दी कोई फोटो गूगल ते अपलोड करदे सी, ओदे वर्गी होर फोटोज दिखा देंदा सी, हाँ। सब एआई है, बट हुन ट्रेंड्स होना ही ये चीज। एआई है बहुत पहला दी, बट ट्रेंड्स पिछले एक साल तो ही आया है। ओके, तो चैट जीपीटी वगैरह जो तो यूज करदे हो? हां, अस तो पूरी यूज करदे हां, एआई यूज करदे हो? मतलब एआई असी ता कम लेने आए, एआई तो जिन्ना हो की यूज कर दियो ता वो जड़े कैप्शंस हुंदे ने रील ते। हां, कैप्शन जिवे जेड़े मेरे नाल जड़ा कंटेंट वगैरह लिखदा है, तो ओदा काम हुंदा कैप्शंस बनाना। ओके, ते ओनु मैं एक बार क्या हैरी ओदा ना, मैं कह हैरी कैप्शन बना दे यार, ओने ना चैट जीपीटी तो लिखा लिया। अच्छा, मैं देख लिया, मैंने पता भी लग गया चैट जीपीटी तो लिखाया, अगले दिन फिर उन चैट जीपीटी तो लिखा लिया, फिर मैं उन्हें दस्या, मैं क्या AI तो ही सारा काम नहीं कराना, आपां मिलके काम करना है, तो ये चीज है। बट मेन पता है क्या है, हुन लोगन लगदा है भी AI साडी जॉब खा जूगी। हां, ये बहुत चल रहा है, बहुत फियर है भी AI आ गई हुन ता लोगन दी जॉब चली जाऊगी, बट ये हो ही नहीं सकदा। AI कैन नॉट रिप्लेस योर जॉब, अ पर्सन विद AI कैन रिप्लेस योर जॉब। हां, भी जिनू AI दी नॉलेज है वो हुन हौली हौली सारयां नू AI नाल काम करना, अडैप्ट करना पैना है, सीखनी पैनी है AI। ये चीज है, हुन जे फोटोशॉप एक बंदे नु आंदी है, दूजे नु फोटोशॉप नाल AI यस आंदी है, तो ऑब्वियसली जेड़े नु ज्यादा आंदा वही करूंगा ना। हुन आपा यूज करदे हैं AI क्योंकि फोटोशॉप च करीदा, प्रीमियर प्रो च भी यूज हुंदा AI, थोड़ा बहुत हो जांदा, अपने आप कट्स लग जांदे है। हां, जिथे साइलेंट पार्ट है उथे अपने आप कट लग जांदे है। ट्राई कीता लेकिन वो आई गेस ओदा लैंग्वेज बैरियर है, वो इंग्लिश नु बहुत जल्दी सपोर्ट करदा क्योंकि पंजाबी रीजनल है, ता वो कट्स लगा नहीं पांदा। असि ट्राई कीता सी बट वो कट्स नहीं लगा रहा सी, फिर मैं मतलब हरे स्टार्टिंग है ना सारी चीजां दी, हुन हौली हौली ये चीजां सही होन लग जानगियां। आवाज बदल दिंदा है, बहुत कुछ हो रहा हुन ता। फर्स्ट कार कड़ी लई है? मैं ता हजे तक हुन मैं लेनी है कार। ओके, हुन ता जेड़ी फैमिली कार है स्विफ्ट है मेरे कोल, ओके, वही मैं रखी हुई है, हुन मैं लेनी है नवी कार। सिबलिंग्स? सिबलिंग सिस्टर है मेरी, वो मैरिड है, इस साल मैरिज हुई ओदी, बैंगलोर है। ओके, तुसी मैरिज? हे तक तो कोई विचार नहीं। ओके, अच्छा तुसी मैरिज कराओगे फिर, की कहन के लड़का यूट्यूबर है? की पता हुन बहुत आजकल, चलो आजकल तो पता चल गया कंटेंट क्रिएटर है भी, यूट्यूबर है,
YouTube ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਮਜਾਮ ਹੋਰ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੈ ਚਲੋ ਪੋਡਕਾਸਟ ਹੈ ਅੱਛਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜੋ ਹਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਗਿਆ ਹਮਨੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਤਾ ਪਾਉਂ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਅ ਯੂਟਿਊਬਰ ਮੈਂ ਸਿੰਗ ਵੀ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਯੂਟਿਊਬ ਵੀ ਹੈ ਚਲੋ ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਏਜੰਸੀ ਬਣਾ ਦੀ ਮੈਂ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਆਪਨੇ ਵੀ ਜਬ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਟਿਊਬਰ ਨਹੀਂ 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 ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਅ ਯੂਟਿਊਬਰ 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 ਕਿਆ ਮੇਰੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਡਿਜੀਟਲ ਏਜੰਸੀ हाँ, डिजिटल हम प्रमोशंस करते हैं इंटरनेट में अच्छा ये जड़ा एपिसोड है स्पॉटिफाई पे भी जाऊंगा स्पॉटिफाई पे अनकट वर्जन जाएगा ठीक है ये थोड़ा एडिटेड होता है यूट्यूब वाला तो उस पे थोड़ा सा मतलब अनकट होता है ज्यादा रो होता है स्पॉटिफाई पे दी अमन ओजला शो सर्च कर लियो स्पॉटिफाई पे ओते तुसी लिसन कर सकते हो कई बार टाइम नहीं लगता वीडियो देखने का तो तुसी सुन सकते हो सो आज का एपिसोड थोड़ा जिहा तुहानू अच्छा लग रहा होना क्योंकि यूट्यूब की गल हो रही है आपके साथ चमत्कार हुआ है जिंदगी में कोई चमत्कार हुआ है मैं बिलीव इसमें ऐसे करता हूँ कि ना मैं वीडियोस बना रहा था बहुत टाइम से चार साल पहले स्टार्ट कर लिया तब मेरे क्या होते सब्सक्राइबर तो कुछ भी नहीं हाँ। जो होते थे व्यूज या तो अपने घर वालों के या फैमिली फ्रेंड्स बस इनके व्यूज होते थे कोई एक कॉमेंट भी किसी बाहर वाले का आ जाए तो इतनी खुशी होती थी देखो उसने किसी और ने वीडियो देखा है इस तरह से होता था तब वीडियो वायरल जाना होता था कि उस पे आगे 5-7 हज़ार व्यू आगे वो वायरल होता था उस टाइम हमारे लिए है ना 2019-20 की बात कर रहा हूँ तो बट मैंने ना वीडियोस डालने का भी छोड़े नहीं कि अब मैं कर रहा हूँ तो इसको करते रहना है जो अच्छा लगता है वीडियोस डालते गए खुद ही सीखते गए अपने आप से तो बट बहुत धीरे धीरे ग्रो किया था मेरा ग्राफ कभी भी ऐसे एकदम से नहीं कुछ भी हुआ बहुत धीरे धीरे ग्रो कर रहा था रोज के 5-10 सब्सक्राइबर बढ़ गए ऐसे ही चलता रहा था अब पिछले साल क्या हुआ कि मैंने देखा कि अब टाइम है तब ये रील्स वगैरह स्टार्ट हो चुकी थी उस टाइम ठीक है तो और भी क्रिएटर्स थे जो टेक में रील्स बना रहे थे बस बहुत लिमिटेड थे तो मैंने देखा कि पहले क्या होता था रील्स मेरे लिए ना एक होता है छपरी बनाते हैं रील्स तो बस ये इमेज बनी हुई थी रील्स की बट फिर मैंने देखा कि यार इन्फॉर्मेशन भी दी जा सकती है इस चीज में तो फिर मैंने कहा इसको भी स्टार्ट करते हैं लॉन्ग वीडियोज जबकि मेरे को लॉन्ग ही पसंद थे बनाने स्टार्टिंग से रील्स मैं एक मिनट में क्या बताएंगे ऐसे ऐसा था बट फिर मैंने कहा ट्राई आउट सब कुछ करना है ऐसे नहीं कि अगर मेरे को अच्छा नहीं लगता तो मैं करूंगा नहीं एक बार ट्राई आउट मेरे को ऐसे होता है कि एक्सपेरिमेंट तो करके देखना है अगर कल को नई चीज भी आ गई वो भी करके देखनी है तो मैंने स्टार्ट की रील्स बनानी उसमें व्यूज आए नहीं बट मैं रोज डालता गया रील्स बनाता गया एक दिन ऐसा हुआ मेरे 5,000 के अराउंड थे मेरे फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पे एक दिन में अगले दिन देखा 10,000 10 से 25 मतलब ऐसे एकदम से बढ़ने लग गए क्योंकि एक इकट्ठे ना काफी वीडियोस वायरल जाने लगी मिलियन ऐसे जाने लगी तो एक दिन में आई गेन्ड 100K फॉलोअर्स इन जस्ट वन डे एक दिन में इंस्टाग्राम पे मतलब आज 100K कल 200K ऐसे करके बढ़े वाओ तो वो चीज फिर मेरे को पता लग गया कि अगर आप कंटेंट अच्छा बनाओगे तो कोई नहीं रोक सकता आपको तो फिर मैंने पर एक फिर ब्रेक लगी 389 के अराउंड आके ब्रेक लगी फिर महीना रुका अब देखो इंस्टाग्राम बायस्ड है जो ये प्लेटफॉर्म होते हैं ना ये बायस्ड होते हैं एक टाइम होता है आपका जब आपकी ग्रोथ होता है तब जो वीडियो डालते हो वो अच्छा चलता है हाँ। ना एक टाइम होता है जब आपकी ग्रोथ सी रोक रखी होती है तो जब आपका लो वाला टाइम होता है ना उस टाइम पे आपको और भी अच्छे वीडियोस डालने चाहिए ये मैंने सीखा है तब मैंने वीडियो में ना पूरी जी जान लगा दी कि मतलब ऐसे वीडियोस बनाओ जो किसी ने देखे ना हो मतलब पूरे अच्छे से वीडियोस बनाए मैंने वो एक महीना लगातार वो फिर अकाउंट उठ गया फिर वो सीधा मिलियन पे जाके रुका मतलब इस तरह से चीज अगर आप करोगे तो उसकी रिजल्ट तो मिलेगा यार एक दिन च 100K 1,00,000 फॉलोअर्स सो वधिया चमत्कार वो तो मेरे भी और मैं आपको अब एक चीज बताता हूँ क्योंकि मैं तो वही कर रहा था जो मैं स्टार्टिंग से करता था कोई मैं नई चीज तो नहीं करती मैं तो वही मेहनत करके सुबह उठ के वीडियो बनाई रात को सो गए यही होता था पूरा दिन मतलब मेरा ऐसे ही जाता था सिर्फ सुबह उठ के काम किया पूरा दिन काम किया रात को सो गया बस यही था ठीक है तो ये चीज थी बट वो क्या था टाइम आपको थोड़ी और पीछे से बताऊं मैं जॉब कर रहा था आपको बताया बिरला सॉफ्ट में जॉब करता था तो 9 महीने हुए थे तो मेरे को दिख रहा था कि मैं ना इसमें ये मेरे लिए बनी नहीं चीज करने के लिए मैंने ना घर वालों को एक दिन जाके बोला क्योंकि उसमें क्या था कि आपको नाइट शिफ्ट आज नाइट शिफ्ट है कल मॉर्निंग शिफ्ट है ये
दिन रात काम करना होता था और बिल्कुल आपके कंप्यूटर के सामने बैठ के पूरा टाइम मॉनिटरिंग होती थी। डेटाबेस मैनेजर था मैं, मतलब डेटाबेसेस ब्रांड कंपनीज के मैनेज करने होते थे। तो ये बहुत मतलब आपको पूरा टाइम एक्टिव रहना पड़ता है, उसमें 5 मिनट के लिए भी आप इधर उधर नहीं जा सकते थे। तो मैंने वहाँ पे अपना देखा कि ये कर तो रहा हूँ मैं काम, बट कुछ सीखने को नहीं मिल रहा, बस कर ही जा रहा हूँ काम, ये था वहाँ पे। तो फिर मतलब वैसे था कि आप नहीं भी होगे वहाँ पे, आपकी जगह कोई और फिल कर देगा। हाँ, कोई भी कर सकता था। वो एक स्किल्ड होता है ना, बहुत स्किल नहीं चाहिए उसमें। हाँ। एक सिखा दिया ये करना है तो देख ही जाओ कर, कोई मेल आया तो फॉरवर्ड कर दिया, बस ऐसी छोटे मोटे से टास्क थे। बट वो बंदे को प्रेजेंट होना जरूरी था कि अगर डेटाबेस फिल हो गया तो उनका वो रुक जाएगा सारा कंपनी का। तो ये चीज होती थी, बस आपको बताना होता। तो उस टाइम पे मैंने जाके बोला अपने घर पे कि मैं ना जॉब कर रहा हूँ बट मैं इसको छोड़ना चाहता हूँ, मेरे को मजा नहीं आ रहा करने में। अगर आप कहोगे तो मैं करता भी रहूंगा बट मेरे को मजा आ नहीं रहा इसको, मैं लॉन्ग टर्म देख सकता कि आज अगर मेरा 1,50,000 का पैकेज है तो कल को मेरा मैं यहाँ पहुंच जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अब उतने के अराउंड ही रहूंगा स्टार्टिंग से। फिर मैंने घर वालों को पहले तो लगा यार ऐसे थोड़ी अभी इसको मुश्किल से जॉब मिली है, क्योंकि मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं था। अच्छा। जॉब भी जो मेरे को मिली वो मेरे YouTube चैनल के बेस पे मिल गई। अच्छा। इंटरव्यू में मैंने मेरे से पूछा इंटरव्यू का, तो मैंने कहा मेरा आता मेरे को इसमें से कुछ भी नहीं, मेरा YouTube चैनल है तो मेरे को टेक में इंटरेस्ट है वो है, बाकी मैंने अपने वैसे प्रोजेक्ट बना रखे थे जो मेरे को वैसे आते थे तो वो मैंने बताया। वो बंदा वो जो इंटरव्यूअर था वो थोड़ा इंप्रेस हो गया, उसने जॉब होगी। ओके। बाकी उसे प्रोग्राम लिखवा के देखे, मेरे से कुछ नहीं लिखवाया, तो ऐसे मेरे को जॉब मिली थी। तो घर वालों को पता था अब इसने जॉब छोड़ दी तो दोबारा इसको जॉब मिलनी नहीं, तो एक बार तो हो गए। फिर मैंने थोड़ा सा उनको वो किया कि एक मेरे पे ट्रस्ट करके देखो, रिस्क तो लेना ही पड़ेगा अगर करना है तो। तब मेरा ग्रोथ नहीं हुई थी बिल्कुल, मैं ऐसी था 5,000 सब्सक्राइबर थे बस मेरे तो। बट फिर मैंने डिसीजन लिया और घर वालों को बोला, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है तो थोड़ा टाइम देते हैं करके देख ले। फिर मैंने अब उस टाइम मैं घर पे बैठा था और मेरे ऊपर ये जिम्मेदारी थी कि मैंने जॉब छोड़ दी, जॉब छोड़ के बंदा घर पे बैठा हुआ है कॉलेज के बाद, जबकि आसपास वाले सारे जॉब कर रहे हैं और मेरे को चैनल भी ग्रोथ नहीं है। मैं घर बताता कि इस महीने मैंने ना देखो 5,000 कमा लिए ऐसे कर लिया, तो अब घर वाले एक बार तो कहते चलो अच्छी बात है, बट उनको भी लगता था करके आ रहा है। हाँ हाँ भी बस मुझे रोके ना वीडियो बनाने से, सो मैंने ये कर लिया ये देखो। हाँ, ये कर लिया, समझ तब तो यही होता था कि। हाँ, तो उस टाइम पे जब मैंने देखा कि वीडियोस तो मैं तो बना रहा था बट ग्रोथ नहीं मिल रही थी, फिर जब एकदम से स्टार्ट हुई ग्रोथ, एक दिन में इतने फॉलोअर्स गेन किए और इतना कुछ किया, तब मेरे को पता चला कि ये चमत्कार वाली चीज है, अगर आप लगे रहो फिर होते चमत्कार। होता है चमत्कार, सभी के साथ होता है। और रिस्क की बात बताऊं, मैंने लगता लाइफ से रिस्क लेना बहुत जरूरी है, सब तो जरूरी है। मैं रिस्क लेने ही रहना हमेशा, 2 साल बाद फिर रिस्क ले लेना, फिर रिस्क ले लिया, आज से 2 साल बाद फिर सोचूंगा कि चलो अब कितना फंडिंग कितनी इतनी पड़ी है तो चलो ये करते हैं अब। तो मजा भी इसी में है जिंदगी, इसी में मजा है ना, नॉट टेकिंग एनी रिस्क इज द बिगेस्ट रिस्क। हाँ, अगर आप स्टेबल ही चल रहे हो कि वही चल रहा है, उन साहब ला लो, अगर मैं वही वाली वीडियोस बनाता होता जो मैं 2018 में, हालांकि अच्छी थी वो वीडियोस, फोन रोस्टिंग आज भी मुझे बोलते हैं, सही बात है, लेकिन 5 साल पुराना कंटेंट आज दे हिसाब नाल, तुसी भी जाने हो ना आज दे हिसाब दा कंटेंट बने, सो हमें भी नई नई चीजें करनी पड़ती हैं। सो क्लोथिंग कौन खुद ही बाय करते हो? हाँ हाँ, मिंत्रा से ऑर्डर करते हैं, पहन लेते हैं बस। ऑनलाइन सब ऑनलाइन है? मेरे को ना शॉपिंग अच्छी नहीं लगती बिल्कुल भी। अच्छा, मतलब कपड़ों की शॉपिंग मेरे को, मैं बहुत बोर हो जाता। पैसे कहाँ खर्चते हो? गैजेट्स पे। गैजेट्स पे जो कमाया वो बस इन्हीं में खर्च दिया, ये उसी के गैजेट बाय करके वही दिखा दिया वीडियो पे, बस यही है। इक्विपमेंट पे, गैजेट्स पे, यही सब चीजों पे है। तो रियली प्यार है ना गैजेट्स ना, अंदर से प्यार है। है ना, ये हो मेरे पास ये, मैं भी सोच रहा हूँ मैकबुक लेने के लिए, बट मैंने सोचा 2 PC पड़े हैं जो ऐसे तो सामान लेती जाएंगे हम, अब रोक दो। कुछ प्लान्स हैं और आगे चैनल्स तो बनाने हैं, स्टूडियो बिल्ड कर रहा हूँ मैं सबसे पहले तो। अब उसको अभी जो मेरा स्टूडियो है वो एक रूम जितना स्टूडियो है, जितना आपका रूम है ना। शॉप ले रखी है? हाँ, एक शॉप ली हुई है अभी मैंने मार्केट में, जैसे शॉप्स होती हैं तो। हाँ हाँ, शटर लगाया। हाँ हाँ। अच्छा। मेरे किराने की दुकान है सामने, उसके बैक साइड पे मैंने अपना स्टूडियो बनाया हुआ है। ओके। और
बहुत लोगों को पता ही नहीं कि वहाँ पे स्टूडियो है क्या है, बस बाहर से तो नॉर्मल ही है, अंदर जाके है बस जो भी है। तो इस तरह का मैंने वहीं पे बिल्ड किया हुआ है। अब क्योंकि स्पेस कम है, हम टीम बढ़ानी है, वहाँ पे जगह नहीं है इतनी, तो धीरे धीरे अब नहीं नहीं कर दो। मैंने जब यहाँ पे इन्वेस्ट किया था तो एक बार हो रहा सी भी अकाउंट तो इन्ने पैसे जा रहे हैं यार, घर दे भी कहंदे सी तू भी, क्योंकि स्टूडियो टेम्परेरी होते हैं कि एक जगह पे इतने इन्वेस्ट करना। सो मैं सोचा अच्छा मैं दिल दी आवाज हुंदा ना, मेरा दिल कर रहा यार, और सबसे बढ़िया चीज मैं लोन नहीं ले रहा, किसी से नहीं ले रहा, खुद के कमाए हुए ही लगा रहा हूँ। तो मैं लगता मजा आंदा, थोड़ा डर भी लगेगा आपको भी जब स्टूडियो बना रहे होगे ना, वो तो है ही है कि यार अच्छा इसमें इतने जा रहे हैं, फ्लोरिंग में इतना पैसा जा रहा है, अच्छा इसमें इतना जा रहा है। सही बात है। सो मुझे तो एक एक चीज पता है, जैसे ये लगा हुआ वॉलपेपर, ये कर्टन्स हैं, खुद बाय किए हैं, एक एक चीज जब बाय करते हैं ना पता चलता है अच्छा कितना लग गया यार। पर एक चीज है, काम में लगाया कोई भी पैसा खराब कभी नहीं जाएगा, उसका आपको रिजल्ट आज नहीं तो कल मिल ही जाना है। तो इसीलिए जैसे आपके थिंकिंग है ना कि काम में लग रहा है मैं बचाने से अच्छा मैं, है ना, मैं खुद ये यही सोचता हूँ कि अगर आप जो कमा रहे हो, मैं देखते ही नहीं कि इतना मैं कमा रहा हूँ, इतना बचाना है, इतना लगाना है, ऐसे कुछ भी नहीं। डोनेशन करते हो आप? हाँ कर देता हूँ। कर दो यार। मैं डोनेशन पता कहाँ करता हूँ? हम सभी दुआ करेंगे ऐसे, जय अरोड़ा जय अरोड़ा जय अरोड़ा। ज्यादा नहीं, चार लोग हैं हम ना, 50-50 हजार बहुत है हमें, इनको तो 20-20 ही दे देना जाए। ठीक है जी, 100 के नोट है मेरे पास सारे, अभी 100 ही हों दो, रात की पार्टी तो होगी। मजाक कर रहा हूँ सारे। तो गाइस आज का एपिसोड यह सीगा यार, थोड़ा पंजाबी हिंदी मिक्स रहा, तो मैंने बहुत मजा आया क्योंकि काफ़ी देर बाद कोई यूट्यूबर आए ने, तो यूट्यूब दी गल्लां हुई, कंटेंट क्रिएशन, लाइक्स, ब्रांड्स, वीडियोस कैसे चलती हैं। अच्छा सी डिप्रेस भी होने, आप डिप्रेस होते हो ना कि यार यार ये वीडियो पे इतनी मेहनत की थी, इतनी ज्यादा एडिटिंग की थी 14 घंटे बैठ के, लेकिन इसका वो रिजल्ट नहीं आया। मैंने आपको एग्जांपल ही दिया वो एक्सपेरिमेंट वाली चीज। हाँ, हमारी पूरी टीम की इतनी एक्सपेक्टेशन थी ये तो बस हिट होने वाली चीज, और वो बिल्कुल ही उल्टा पड़ गया। तो ये चीजें होती हैं सबके साथ, हर काम में होता है, सारे ना होता यार। ते बाकी तुसी यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हो, होप तुहानू इनफॉर्मेटिव इनफॉर्मेशन मिली होगी कि मैं स्टार्ट करना, ज्यादा काली विच जां एकदम ना स्टार्ट कर दो कि हाँ अब पता चल गया ये बोया का माइक लेना, ये नहीं इदा नहीं स्टार्ट करो, कंटेंट कंज्यूम करो। और जैसे इनको प्यार था गैजेट से, मैं शुरू से कॉमेडी जुड़ा हुआ था, सही डांस करता था तभी मैं म्यूजिक पे आया, तो अपने अंदर का ढूंढो कि आप में किसके लिए प्यार है, भी केड़ी चीज से तुसी हैगे हो। एदा नहीं कि तुसी मन्नू देख के कुछ बना लो, इन्हां नू देख के टेक चैनल बना लो। सो मे बी तुसी कुछ अलग चीज बना लो जो हमें भी लगे यार ये चीज बहुत बढ़िया कर दी। सही बात है, ये चीज बहुत लोग करते ही हैं कि ये बंदा टेक बना रहा है चलो हम भी टेक ही बना। आजकल बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर आ चुके हैं ऑलरेडी, हाँ, जो कि दूसरे को देख के बस कर ही जा रहे हैं, ठीक है। बट वो, और मतलब मैंने खुद देखे हैं कि मेरा ही कंटेंट एग्जैक्ट सेम स्क्रिप्ट तक कॉपी कर रहे हैं लोग, और वो बनाई जा रहे हैं, ठीक है, और मिल भी रहे हैं फॉलोअर्स, क्योंकि उन्होंने ट्राइड एंड टेस्टेड है कि इसकी ये रील वायरल है इसी पे बना दो। हम इतने इतने दिन लगा देते हैं कंटेंट रिसर्च करने में, कंटेंट रिसर्च ही सबसे बड़ा काम है, ठीक है। मतलब मेरे ने एक कोशिश होती है कि कभी भी ना गलत ना जाए कोई भी चीज, कि अगर आप, मैं किसी को कोई एप्स बता रहा हूँ या कोई ट्रिक बता रहा हूँ, अगर वो काम ही नहीं कर रही, किसी का कंटेंट देख के मैंने बना दिया, तो फिर क्या फायदा उस चीज का। तो वेरीफाई करते हम कई कई दिन लगा देते हैं, उसके बाद अपलोड करते हैं, और वो लोग क्या करते हैं कि देखा ये बनाया इसने चल गया, इसको उठा के डाल दिया। तो ये चीज हो रही है, बट एक कब तक चलेगी चीज? यस यस, वो लॉन्ग टर्म नहीं चलूगी जेडे कॉपी करके कॉपी पेस्ट कर देने। सो अब पॉडकास्ट का जमाना आ गया, पता है हर कोई पॉडकास्ट स्टार्ट करेगा। सही बात है। तो मुझे, मैनू बस इदा करो सारे जाने, बट क्वालिटी रखियो, और पॉडकास्ट को अलग चीज मत बता देना कि भी बस इंटरव्यू को पॉडकास्ट बोल दिया, और बस करो तो अच्छे से करो जो भी कर रहे हो। बाकी खुश रहो यार, इतने ही प्यार देंदे रहो। आपको बेस्ट पार्ट कौन सा लगा और अपने कमेंट्स करना, कुछ क्वेश्चंस होन तुहाडे टकीला भाजी ली तो कमेंट कर देना, कमेंट कर दो, पार्ट टू बनावांगे तां ओहदे विच आंसर्स कर दांगे। मजा आया तुहानू गल करके, इसके अंदर भी आके नीचे सबके आंसर्स करूंगा जो भी आपके वीडियो के। श्योर थिंग, श्योर थिंग। और वीरे दा चैनल भी चेक कर लियो, एक शॉर्ट चैनल है टकीला शॉर्ट्स, टेक अंडरस्कोर IELA यूट्यूब ते, इंस्टाग्राम ते, यूट्यूब ते तुसी टकीला सर्च। कितना अच्छा बना टकीला शॉर्ट्स। सो टकीला शॉर्ट्स, पेरेंट्स देख रहे होंगे, उन्होंने कहा कि ये लड़का टकीला टकीला क्यों करी जा रहा है। सही बात है। सो टेक TECHIELA टेक इला शॉर्ट्स एंड टेक इला मेन चैनल टकीला।
और इंस्टाग्राम से तुम देखा ही होया। सो बाकी इद्दी प्यार देंदे रहो। सो अज का एपीसोड आप करते हैं इतने खत्म, तो मिलता मैं नैक्सट एपीसोड में। तद तक लई किदा फिर। Thank you.